मॉर्निंग क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 6 चल रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको पता है एमएस एक्सेल कौन-सी कंपनी है? एमएस एक्सेल जो है अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। एमएस एक्सेल जो हिस्सा है किसका हिस्सा है? एमएस ऑफिस का ही पार्ट है और इसको बिल गेट्स ने बनाया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के बारे में और हमें क्या पता है। जब आप सारणी में किसी भी डाटा को व्यवस्थित रूप से अरेंज करते हैं तब आपका एक डाटाबेस तैयार होता है। जब भी आप किसी भी सारणी में डाटा को रखते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, तब आपका डाटाबेस तैयार होता है जिसमें डाटा सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। जैसे मान लो जो आपका डाटा होता है वो एक सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। टेबल में दी गई प्रत्येक जानकारी को मूल्य के रूप में जाना जाता है। जो भी आपकी टेबल होती है, टेबल क्या है आपकी, या आपकी क्या है टेबल है, टेबल में क्या होती है, जो भी आपकी ये टेबल है आपकी इनविजिबल होती है, दो तथा पदों से मिलकर बंद होती है, इसको बोला जाता है सारणी। इसमें आपकी जो भी जानकारी होगी उसको मूल्य के रूप में जाना जाता है। टेबल के अंदर प्रत्येक जानकारी को उसकी वैल्यू के रूप में जाना जाता है। अब अगर मुझे टेबल की जो है कैलकुलेशन करनी है, एक मूल्य एक कॉलम, जो एक मूल्य है वो एक कॉलम और एक पंक्ति में होता है, यानी जिसमें मैंने कुछ डाला तो केवल एक ही वैल्यू। देखिए किसी भी सारणी में कुल मूल्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, ये क्या है आपकी सारणी है, अगर इसमें आपको कुल संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, क्या कर दोगे, यानी सारणी की गुना आप किसमें कर दोगे, आप सारणी की गुना पंक्ति में कर दोगे तब आपको ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि की मूल्य को क्या कहा जाता है, जो आपकी की मूल्य है उसका दूसरा नाम क्या है। ये वर्क आपको उतारना नहीं है, केवल आपको समझना है। और एक बात बताना भूल गया, जब भी आप कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे, याद रखना है। और जब भी आपका वर्क पूरा हो जाए वह वर्क आपको विद्यालय में भेजना है कॉपी चेकिंग के लिए, इसके लिए आपको विद्यालय में नहीं आना है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।